सोलन में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन ने प्रेस वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर एक के बाद एक कई प्रश्न उठाए। इस दौरान वह हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि वेल पर छोटा व्यक्ति किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को धोखा दिया और उन्हें आज तक बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दिया। आज प्रदेश के युवाओं को नौकरी पाने के लिए बाहरी राज्यों का रुख करना पड़ रहा है। शिक्षा के नाम पर निम्न स्तर की शिक्षा उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पूनम महाजन ने कहा कि युवा आज प्रदेश में हत्या और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और मुख्यमंत्री हिमाचल उन्हें छोटी मोटी घटनाएं कहकर अपनी संगीन मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, जो शर्मनाक कथन है। उन्होंने कहा कि आज युवाओं को नौकरी के लिए दर बदर घूमना पड़ रहा है, इसलिए भाजपा चाहता है कि हिमाचल के युवाओं को सम्मान मिले और सभी युवाओं को एकजुट होकर प्रदेश की कार्यप्रणाली के खिलाफ जंग लड़ना चाहता है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन ने सोलन में घोषणा करते हुए कहा कि सितंबर के अंत में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हिमाचल में महारैली करेंगे। महारैली में प्रदेश भर से करीब 1,00,000 युवा कार्यकर्ता रैली में भाग लेगा। उन्होंने कहा कि चुनावों में युवा मोर्चा की अहम भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि जीतने की संभावना होगी तो युवा मोर्चा के पदाधिकारी भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर संगठन में गुटबाजी है तो वह संगठन के लिए अच्छी है, क्योंकि गुटबाजी से प्रतिस्पर्धा की भावना आती है। सभी लोग जीत के लक्ष्य को लेकर अपनी अपनी पुरजोर कोशिश करते हैं। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विशाल चौहान और सांसद वीरेंद्र कश्यप, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पवन गुप्ता भी मौजूद रहे।